आज हम बनाने वाले हैं मैक्सिकन राइस। तो उसके लिए हम एक पैन में ऑयल गरम होने रख देते हैं। ये आज मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हम आज ये सारी सब्जियाँ यूज़ करने वाले हैं। मैंने कुछ प्याज कट करके ले ली है, यहाँ टमाटर, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न और गार्लिक। तो तेल के गरम होते ही हम इसमें गार्लिक डाल देंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे। गार्लिक हमारी ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें अनियन डालेंगे और इसे भी थोड़ा पकाएंगे। अनियन का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो हम बाकी की सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी थोड़ा पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं, तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस। इसके अलावा हम सिर्फ सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट थोड़ा ही ऐड करें, क्योंकि मैंने अभी राइस कुक करते टाइम उसमें भी सॉल्ट ऐड किया है। अगर आपने राइस में सॉल्ट ऐड नहीं किया है, तो आप इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें डालेंगे हम ऑरिगेनो पाउडर। अब हम इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड करेंगे, करीब एक चम्मच, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने राजमा बॉईल करके ले लिया है, तो हम इसे ऐड करेंगे। मैक्सिकन रेसिपीज़ में राजमा ऐड होता है। इसे भी मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम राइस ऐड करेंगे। ये राइस मैंने पहले से बना के रखा है, आप इसमें लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मैक्सिकन राइस बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे सर्व करने के लिए एक मैक्सिकन डिप सालसा बनाएंगे। मैक्सिकन सालसा बनाने के लिए हमने यहाँ एकदम छोटा छोटा चॉप कर लिया है टमाटो को और अनियन को, और यहाँ हमने ली है धनिया। एकदम बारीक बारीक चॉप करना है। अगर आप चाहें तो फूड प्रोसेसर या चॉपर की हेल्प ले सकते हैं। तो बस इसे हम एक बाउल में मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, एकदम ज़रा सा, ऑरिगैनो, एंड टमाटो केचप। ये डिप के साथ आप कुछ भी, चिप्स, नाचोस वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। ये देखिए, हमारी इंस्टेंट मैक्सिकन सालसा बनके तैयार है। सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं। ये हमने मैक्सिकन राइस तैयार किया है, मैक्सिकन सालसा तैयार किया है, और इस पे डलता है नाचोस। बट आज मेरे पास नाचोस नहीं है, तो मैंने ये पोटैटो चिप्स ली हैं सिर्फ क्रंच के लिए। आप चाहें तो नाचोस यूज़ करें या पोटैटो चिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे असेंबल कर लेते हैं।